से कांग्रेस प्रत्याशी हैं डॉक्टर सीपी जोशी, आज नामांकन उन्होंने किया, नामांकन के बाद संबोधित कर रहे हैं, सीधी तस्वीरें नाथ द्वारा से। एक पार्टी का शासन है जो प्रदेश और देश का नेतृत्व करके नीतियां बनाकर अपने देश का निर्माण करने का काम करते हैं, पर हमारे देश में जिन लोगों ने आजादी की कल्पना की उनके मन में कल्पना थी कि देश आजाद होगा, देश आजाद होने के बाद हम देश का निर्माण कैसे करेंगे, इसलिए उन्होंने मन में कल्पना की इस देश में संसदीय लोकतंत्र ही एक तरीका है जिसके माध्यम से हम देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। संसदीय लोकतंत्र का मतलब इस देश में उन्हें मालूम था, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इस देश में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, उन्हें मालूम था कि इस देश में अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, इस देश में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग, अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले लोग उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में रहते हैं, उन सबको साथ लेकर देश का निर्माण करना है। इस निर्माण करने के लिए एक ही तरीका है कि हम इस देश में संसदीय लोकतंत्र को अपनाएं। इसीलिए आपने देखा होगा कि संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से हर 5 साल में हम विधानसभा और लोकसभा के चुनाव करते हैं, और विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद आजादी के बाद राजीव गांधी जी के मन में कल्पना थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, तब 73 और 74 अमेंडमेंट के माध्यम से पंचायत और पंचायत राज के साथ नगर पालिकाओं को सशक्त करने का निर्णय किया। इसलिए हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र में ये कल्पना की गई कि गांव के विकास करने की जो कल्पना है उसको चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में पंचायत के प्रतिनिधि करेंगे, नगर के विकास की कल्पना नगर के चुने हुए पार्षद करेंगे, लेकिन प्रदेश को विकास करने का काम प्रदेश की जो सत्ता आएगी वो नीति बनाकर प्रदेश का निर्माण करने की काम करेगी, देश का निर्माण करने का काम देश में जो सत्ता में आएंगे वो नीति बनाकर देश का निर्माण काम करेंगे। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो जानते हैं कि हमने इस देश में जो संविधान की कल्पना की उसमें एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट के अंतर्गत संसद में चुना हुआ जो प्रतिनिधि है वो संसद में वही कानून बना सकता है जो संविधान में लिखा हुआ है कि शेड्यूल में क्या क्या है, विधानसभा में सदस्य वही काम कर सकता है जो संविधान में बातें लिखी हुई है। एक विधानसभा का सदस्य विदेश नीति नहीं बना सकता, एक विधानसभा का सदस्य कॉमर्स की नीति नहीं बना सकता, एक विधानसभा का सदस्य रक्षा नीति नहीं बना सकता। चुना हुआ संसद का प्रतिनिधि दिल्ली में बैठकर देश की रक्षा करने के लिए रक्षा नीति बनाता है, विदेश नीति बनाता है, ये नीति और निर्धारण करने का काम हमारे संविधान में किया गया है। और इसी दृष्टि से राजस्थान या अन्य प्रदेश को विकास करने के लिए संविधान में कहा गया है कि शिक्षा कैसे होनी चाहिए, सिंचाई कैसे होनी चाहिए, सड़क कैसे होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, कृषि की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, उद्योग कैसे लगने चाहिए, इन विषयों के संबंध में प्रदेश की सरकारें नीति बनाकर देश का निर्माण करने का काम करेंगे। हमें सौभाग्य है इस देश में आज़ादी के बाद, हमें सौभाग्य है इस देश जो हल्दीघाटी की धरती है, जिस धरती पर महाराणा प्रताप पैदा हुए, हमें गर्व है हम उस धरती में हैं जहां पर महाराणा प्रताप पैदा हुए थे। हम सबको गर्व की बात है कि महाराणा प्रताप हमारे सबके लिए पूजनीय है, हम उस मिट्टी में हैं जिसको हल्दीघाटी का युद्ध का, पर हम इस मिट्टी के भी हैं जिस मिट्टी में यहाँ पर सेनाजी आके बिराजते हैं। सेनाजी यहाँ पर बिराजने के बाद इस देश में जो आज़ादी की कल्पना की, नौजवान पीढ़ी के लोगों को समझने की आवश्यकता है, ये धरती जिस पर हल्दीघाटी पर महाराणा प्रताप के लोगों को युगों तक याद रखा जाएगा, उनके वंश के लोगों को याद रखा जाएगा, उनके परिवार को लोगों को याद रखा जाएगा, पर साथ में ये भी याद रखा जाएगा कि देश आज़ाद हुआ था, उस देश आज़ाद होने में इस देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ने वाले लोग मेवाड़ की इस धरती पर सबसे ज़्यादा कहीं पर हुए हैं वो नाथद्वारा की धरती पर हुए हैं, और नाथद्वारा की धरती के कारण आज जो देश प्रदेश का निर्माण हुआ है उस निर्माण करने में उन लोगों ने भागीदारी निभाई है जिन्होंने आज़ादी के समय में प्रजामंडल के इतिहास बनाकर इस देश को आगे बढ़ाने का प्रदेश बनाने का काम किया। क्या हमें गर्व नहीं है किस मिट्टी से नरेंद्र पाल सिंह जी चौधरी पैदा हुए, क्या हमें गर्व नहीं है इस मिट्टी से राजेंद्र पाल सिंह जी चौधरी हुए, क्या हमें गमन नहीं है इस मिट्टी से नरोत्तम जी चौधरी पैदा हुए, क्या हमें गमन नहीं है इस मिट्टी से मास्टर कृष्णलाल जी पैदा हुए, क्या हमें गमन नहीं है फतेहलाल जी बाबू पैदा हुए, क्या हमें गमन नहीं है रघुनाथ जी पालीवाल पैदा हुए, हमें गमन है हमारे इन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया उस संघर्ष के कारण देश जो आज़ाद बना है और प्रदेश आगे बढ़ने का काम किया है। तब इस प्रदेश में आज़ादी के बाद राजस्थान को नवनिर्माण करने की किसने कल्पना की तो कांग्रेस पार्टी ने की, और हम सौभाग्यशाली हैं तो मोहनलाल सुखवाड़िया जिनके पिताजी तिलकायत जी परिवार के यहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति थे, जो दामोदर स्टेडियम बना हुआ है स्टेडियम में कोच के रूप में जिन्होंने काम किया उनके पुत्र मोहनलाल सुखवाड़िया ने राजस्थान में 18 साल तक
राजस्थान का निर्माण करके इस देश में प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज नौजवान पीढ़ी के लोग कल्पना ही नहीं कर सकते कि हिमालय का पानी राजस्थान में आ सकता है। ये मोहनलाल सुखाड़े के मन में कल्पना